हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम की बर्फी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लेने होंगे 3 आम। फ्रेंड्स, मैंने आम को छील के रख लिया है। और इसके लिए चाहिए 1 कप दूध, ये थोड़ा सा ज्यादा दूध है 1 कप से, आधी कटोरी सूजी, स्वादानुसार चीनी। अब इसका हम पल्प निकालेंगे, फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसमें रेसे नहीं होने चाहिए, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरह से इसका पल्प निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आम का पल्प निकाल लिया है, अब इसको मैं ग्राइंड करूंगी। मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसकी मिठाई बनाऊंगी। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है, अब मैं इसमें डालूंगी आम का पल्प। अब इसको इस तरह से कड़छी से चलाते रहना है, मीडियम आंच पर इसको चलाना है। फिर इसमें ये जो दूध मैंने लिया था, अब दूध मैं डाल देती हूँ और इसको चलाते रहना। 2 टेबल स्पून सूजी डाल रही हूँ। आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इसको बराबर आपको चलाते रहना है। अब मैं इसमें 4 चम्मच देसी घी डालूंगी। लगातार चलाते रहना है। इस स्टेज पे मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाना है और कम से कम इसको 5 मिनट और। अब मैं इस स्टेज में गैस बंद कर दूंगी। अब ये जमने की स्थिति में हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने प्लेट में सेट कर दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है ये। अब मैं इसके पीस कर दूंगी। आम की बर्फी बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।